हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरा केमिस्ट्री। आज हम लोग ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग स्टडी करने से पहले हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का आना चाहिए। ओके, तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। मेटल कार्बोनिल्स जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होता है हेट्रोनिक होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, ये ऐसे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं जिसमें केवल कार्बोनिल लिगेंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2CO8 है और Mn2CO3। दूसरे होते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, इसमें कार्बोनिल लिगेंड के साथ साथ अदर लिगेंड्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NiCO3PPH3। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखिए, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक साइड में हमने कार्बन की ऑर्बिटल से ली है 2s और 2p, दूसरी साइड में ऑक्सीजन की एटॉमिक ऑर्बिटल 2s और 2p। ठीक है, तो कार्बन की एटॉमिक ऑर्बिटल में 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और 2p में दो इलेक्ट्रॉन है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन, और 2p में दो इलेक्ट्रॉन है। जबकि ऑक्सीजन में 2s में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p ऑर्बिटल में फोर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखिए, ये 2s ऑर्बिटल हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करके दो एटॉमिक ऑर्बिटल बना, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है, एक सिग्मा 2s और एक सिग्मा स्टार 2s। ये जो ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 2s, ये एंटी बॉन्डिंग नेचर है, जबकि सिग्मा 2s ऑर्बिटल जो होगी वो बॉन्डिंग नेचर होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये 2s ऑर्बिटल यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आएंगे। ठीक है, अब 2p ऑर्बिटल में देखेंगे, यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्स है। सिक्स इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करेंगे तो सिग्मा 2p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और पाई स्टार ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, पाई स्टार ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सिक्स हो गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये वाली एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसमें जो ये 2s ऑर्बिटल है ये कौन सी है? एंटी बॉन्डिंग नेचर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसको हम लोग होमो भी कहते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एंटी बॉन्डिंग नेचर है। यहाँ पे ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वाली, जिसमें दो दो चार दो छह दो आठ, एट इलेक्ट्रॉन जो है, ये सिक्स ऑर्बिटल जो है, एट जो सिक्स ऑर्बिटल्स हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कैसी ऑर्बिटल है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम CO प्लस मॉलिक्यूल देखें, CO प्लस मॉलिक्यूल, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? CO प्लस मॉलिक्यूल में हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से निकलेगा? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा, दैट इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से रिमूव होगा तो बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 3.5। तो CO प्लस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर 3.5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। ठीक है, तो यहां पे ये वाली जो ऑर्बिटल है पाई स्टार ऑर्बिटल, इसको हम लोग ल्यूमो कहते हैं, दैट इज लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हमें ये पता लग गया कि जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कार्बोनिल लिगेंड्स की,
वो कौन सी है, एंटी बॉन्डिंग है। जब भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव होगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये किसमें एक्सेप्ट करेगा, जो एमपीटी ऑर्बिटल है आपकी एंटी बॉन्डिंग वाली उसमें इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर इसका घटेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सीओ लिगैंड है, ठीक है, सीओ लिगैंड जो है इसमें अगर हम इसका हम स्ट्रक्चर अगर देखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर ठीक है, तो इसमें देखिए सीओ लिगैंड के लिए आपने देखा स्टडी किया होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, और कार्बन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है नीचे की तरफ और दो यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्योंकि एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा एसपी। तो कार्बन आइटम जो आपका है वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में है और ऑक्सीजन आइटम जो है वो भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन में है। ठीक है, तो इसकी हम लोग बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि बॉन्डिंग कैसी होती है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीओ लिगैंड। सीओ लिगैंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसा कि हमने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कार्बन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सिमिलरली ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड अगर हम कंसिडर करें तो केवल एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और एक जो है वो लोन पेयर है कार्बन के। सिमिलरली यहाँ पे भी एक लोन पेयर, ठीक है, और दो जो बॉन्ड है यहाँ पे वो कैसे है, वो पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा, एसपी होगा, और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, एसपी होगा। ठीक है, तो इसकी हम लोग बॉन्डिंग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। देखिए जब भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन में, एसपी हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो इसके पास कितनी ऑर्बिटल होंगी, फोर ऑर्बिटल होंगी, जिसमें से दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगी, दैट इज ये वाली एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। ठीक है, जिसमें एक में एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन और एक एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो इसकी ऑर्बिटल अभी बच गई ऐसे, ठीक है, ये कौन सी हो गई, पी जेड हो गई, और एक और एमपीटी ऑर्बिटल होगी वो कौन सी होगी, पी वाई, जिसमें पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन है और पी वाई ऑर्बिटल जो है वो एमपीटी है। सिमिलरली हम देखते हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी क्या होगा कि इसके पास एक एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगी जो कि इसके साथ ओवरलैप करेगी, एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगी जो कार्बन की एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी। ठीक है, और यहाँ पे एक एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, यहाँ पे इसकी एक एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक इसकी एक एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसकी एक एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गई और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, जबकि दूसरी एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके साथ ही इसके पास दो और ऑर्बिटल होंगी, एक हो गई आपकी पी जेड ऑर्बिटल होगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, और एक कौन सी ऑर्बिटल होगी, पी वाई होगी जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, इसमें से एक एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन और एक एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सिमिलरली ऑक्सीजन की एक एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना लिया और एक एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि कार्बन की पी जेड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, पी वाई ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक ऑर्बिटल जो है कार्बन की पी जेड, ये पी जेड ऑक्सीजन की पी जेड ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैप करके पाई बॉन्डिंग बनाएगा,
और जो ये ऑक्सीजन की पी वाई ऑर्बिटल है जिसमें लोन तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसकी पी वाई ऑर्बिटल में, और ये कौन सा एक बॉन्ड बनेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा जो कि पाई होगा। तो इस तरह से हम इसको मैसेज दिखा सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल को, ये कार्बन हो गया, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, और एक जो बॉन्ड है ये वाला देखिए जो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ है, ये कौन सा बॉन्ड है, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इसी को हम लोग, ये कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या इसी का दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड होगा और एक यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अभी आपने देखा था कि जब हम लोग कार्बोनिल लिगैंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टडी कर रहे थे तो वहां पे इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में एक एम्प्टी ऑर्बिटल थी, कौन सी एम्प्टी ऑर्बिटल थी, वो थी पाई स्टार ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल एम्प्टी थी। तो पाई स्टार ऑर्बिटल जो एंटीबॉन्डिंग रेशन है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि कार्बन है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक एम्प्टी, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगी, वो कौन सी होगी, एंटीबॉन्डिंग रेशन होगी, दैट इज ये पाई स्टार ऑर्बिटल, पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, तो पाई स्टार एम्प्टी, इसका मतलब है कि अगर ये लोग प्लस वाला है तो ये लोग कैसा होगा, ये भी प्लस वाला होगा, तो यहाँ पे माइनस लोग होगा, ये माइनस होगा, इसमें बीच में एक नोड होगा, देखिए ये एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इस एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है यही ओवरलैप करती है बैक बॉन्डिंग में, तो सीओ लिगैंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में स्टडी में समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए जब ये मेटल के साथ कार्बोनिल लिगैंड बॉन्डिंग करता है तो क्या करेगा, मेटल की एक एम्प्टी ऑर्बिटल, कार्बन मोनोऑक्साइड की फिल्ड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ ओवरलैप करके बॉन्डिंग बनाती है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसके साथ ही हमने देखा कि यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड ऑक्सीजन आइटम है और इसके पास एक एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल, कैसी है, एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल, दैट इज ये प्लस लो, ये प्लस लो, ये माइनस लो, ये माइनस लो। अब मेटल के पास हमें पता है कि मेटल के पास फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है, फिल्ड डी ऑर्बिटल होगी, ये अगर प्लस लो है तो ये भी प्लस लो, ये कौन सी ऑर्बिटल होगी, मेटल की फिल्ड डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ये माइनस लो, ये माइनस लो। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इसकी फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये इसकी फील्ड ऑर्बिटल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड की एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं, तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, प्लस प्लस लो और माइनस माइनस, तो ये बॉन्डिंग मोड हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि मेटल जो है वो कार्बन से सिग्मा बॉन्डेड जुड़ा हुआ है और मेटल ने क्या किया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कार्बन मोनोऑक्साइड को इसकी एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, देखिए जब भी एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो जो सीओ बॉन्ड ऑर्डर है वो रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि एम सी डबल बॉन्ड को, एक्चुअल में यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर सीओ बॉन्ड ऑर्डर है बैक बॉन्डिंग की वजह से ये रिड्यूस हो जाता है, इस टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, दैट इज बैक बॉन्डिंग। क्या होती है कि सीओ लिगैंड सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, सिमिलरली मेटल जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके
एक पैक बॉन्डिंग बनाते हैं। तो पैक बॉन्डिंग से आप देखेंगे कि मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथ होता है, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जबकि सीओ जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है वो रिड्यूस होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल रिड्यूस। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। दैट इज वन टाइप ऑफ द बॉन्डिंग रिड्यूसेस द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ता है, ये बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज करेगा, जबकि ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है सीओ बॉन्ड ऑर्डर ये रिड्यूस होगा। ठीक है, इस टाइप की बॉन्डिंग को लो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ओके, तो दोस्तों देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ आईआर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आईआर फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होता है। देखिए जो सीओ लिगेंड है, सीओ लिगेंड है वो फ्री सीओ लिगेंड है जो कि किसी मेटल से बॉन्डेड नहीं है। फ्री सीओ लिगेंड जो है वो 2143 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्ब करता है। आईआर रीजन में ये क्या है, आईआर फ्रीक्वेंसी है। तो आईआर रीजन में जो फ्री सीओ लिगेंड होता है वो 2143 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब यहां पे आपने देखा था कि सीओ के पास जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअल में कौन सा वाला होता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एंटी बॉन्डिंग नेचर होता है। क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग नेचर। मतलब कि आपने देखा था कि 2s ऑर्बिटल का जो लोन पेयर ऑफ जो 2s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल होती है वो एंटी बॉन्डिंग नेचर होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन ये रिमूव होगा तो यहां से रिमूव होगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा। दैट इज अगर हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड को किसी मेटल से या किसी एक्सेप्टर लिगेंड से अगर बाइंड करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि BH3 मॉलिक्यूल है। BH3 मॉलिक्यूल आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसकी वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सीओ लिगेंड इसके पास आए तो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। अगर डोनेट कर देगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, तब जो ये बॉन्डेड जो BH3 मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है, ये जो सीओ मॉलिक्यूल है वो कितनी रीजन पे एब्जॉर्ब करेगा, ये फ्री सीओ लिगेंड के लिए देखिए। देखिए जो आईआर फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीओ के बॉन्ड ऑर्डर, सीओ के बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा आईआर फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा होगी। हमें मालूम है कि जो सीओ लिगेंड होता है वो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कहां से डोनेट करेगा, अपनी एंटीबॉडी ऑर्डर से, और जब भी एंटीबॉडी ऑर्डर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग बनाया इसने कार्बन मोनो ऑक्साइड मॉलिक्यूल ने, उसने एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, जिस वजह से इसका सीओ बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये बॉन्डेड जो सीओ है वो 2165 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्ब है। तो ये एक बार नेट में क्वेश्चन दिया आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो ये 2165 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्ब है। सिमिलरली अगर हम लोग आईआर फ्रीक्वेंसी की बात करें, आईआर फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ बॉन्ड, सीओ बॉन्ड की आईआर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, तो सीओ फ्रीक्वेंसी जो है, आईआर फ्रीक्वेंसी सीओ बॉन्ड की है, वो किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड, सीओ बॉन्ड के बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। दैट इज ये जो सीओ फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करेगी, पॉजिटिव चार्ज तो मेटल पे, मेटल कॉम्प्लेक्स पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा सीओ की आईआर फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी।
ठीक है। और सीओ जो फ्रीक्वेंसी है, सीओ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा बैकबॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, और बैकबॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी तो सीओ फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सीओ बॉन्ड, तो क्या देखेंगे, यहां पे देखिए चार एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टी आई सीओ होल सिक्स, टी आई सीओ होल सिक्स टू माइनस। दूसरा एग्जाम्पल है बी सीओ होल सिक्स, और फिर है सी आर सीओ होल सिक्स, फिर है एम एन सीओ होल सिक्स प्लस, और एक और एग्जाम्पल है एफ ई सीओ होल सिक्स टू प्लस, ठीक है। तो हमें सीओ फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आई आर फ्रीक्वेंसी सीओ की आई आर फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हमें अरेंज करना है। तो आप देखिए कि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है कॉम्प्लेक्स, देखिए जब भी नेगेटिव चार्ज होगा टोटल जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ये निगेटिव चार्ज है वो एक्चुअली मेटल के ऊपर होगा, मेटल के ऊपर जैसे ही निगेटिव चार्ज बढ़ेगा वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए बैक बॉन्डिंग करेगा, तो जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो उतनी ज्यादा ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो सीओ की बॉन्ड ऑर्डर है उतना ज्यादा घटेगा। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो सीओ फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज। तो सीओ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज कर दी जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा सीओ फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने देखा कि मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग पूछे तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर जो है क्योंकि जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती है मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर भी उतना ज्यादा होता है, तो इस वाले अगर बॉन्ड की अगर बात करें तो उसका रिवर्स हो जाएगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मेटल पे उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी और उतनी ज्यादा मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो दैट इज मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर देखें सबसे ज्यादा टी आई सी होल सिक्स टू टू माइनस मेटल कार्बन बॉन्ड होगा, फिर वी सी होल सिक्स, और फिर सी आर सीओ होल सिक्स, फिर एम एन सीओ होल सिक्स प्लस, और फिर लीस्ट होगा एफ ई सीओ होल सिक्स टू प्लस। तो ये क्या चीज हमने लिखा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर सीओ बॉन्ड ऑर्डर कह दे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा एन आई सीओ होल फोर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है एफ ई सीओ होल फाइव, एक और है सी आर सीओ होल सिक्स। तो इसमें आप देखिए अगर सीओ बॉन्ड ऑर्डर आईआर फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ, आईआर फ्रीक्वेंसी जो है वो सीओ की फ्रीक्वेंसी पूछे, सीओ फ्रीक्वेंसी ऑर्डर पूछा जाए तो इसमें क्या ऑर्डर होगा, तो इसके लिए हमें देखेंगे कि जितने ज्यादा कार्बोनिक लिगैंड होंगे, कार्बोनिक लिगैंड अगर क्या करता है एक्चुअल में जब भी कार्बोनिक लिगैंड बनाता है बॉन्ड बनाता है तो वो सिग्मो बॉन्डेड होता है। अभी सिग्मो बॉन्डेड होगा, देखिए जितने ज्यादा कार्बोनिक लिगैंड है उतने ज्यादा सिग्मो बॉन्ड बनेंगे, और जितने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे मेटल के अराउंड तो मेटल के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और मेटल के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बैक बॉन्डिंग के लिए डोनेट कर देगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि जितने ज्यादा सीओ लिगैंड होंगे उतनी ज्यादा मेटल के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब मेटल के अराउंड ज्यादा होगी
तो वो बैक बॉन्डिंग भी ज्यादा करेगा, जिससे बॉन्ड ऑर्डर जो सीयू बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा। दैट इज यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए होगा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि सीयू लिगैंड कम है, बैक बॉन्डिंग कम है, तो यहाँ पे इसके बाद इसमें, फिर इसके बाद तो ये क्या है सीयू फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर। दैट इज इस एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा सीयू फ्रीक्वेंसी होगी, आईआरसीयू फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।